भारतीय सेना के युद्धक टैंक और भी एडवांस और मॉडर्न बनेंगे। मुख्य युद्धक टैंकों को दुश्मनों की मिसाइलों से बचाने के लिए स्मार्ट कवच भी बनाया जा रहा है। भारत अपने मुख्य युद्धक टैंकों यानी मेन बैटल टैंक T-72 और T-90 को एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। इसे आर्म्ड फोर्सेज के मॉडर्नाइज प्रोग्राम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। T-72 और T-90 मेन बैटल टैंकों को अपग्रेड करने की तैयारी DRDO को सौंपी गई है। DRDO इन दोनों टैंकों के लिए एक खास सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिससे भविष्य के युद्धों में टैंकों पर होने वाले हमलों को रोका जा सके। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। संगठन की योजना है कि सेना के दो मुख्य युद्धक टैंक T-72 और T-90 को दुश्मनों के मिसाइल हमलों से बचाकर रखा जाए, इसके लिए खास एडवांस कवच सिस्टम बनकर तैयार हो रहा है। बता दें कि भारतीय सेना की 65 आर्म्ड यानी बख्तरबंद रेजिमेंटों के पास 3500 से ज्यादा स्वदेशी अर्जुन और रूसी डिजाइन वाले T-72 और T-90 टैंक हैं। DRDO इन टैंकों में एक्टिव कवच से लैस करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से टैंकों को ड्रोन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, वो वाकई चिंताजनक है, जिसके बाद मुख्य युद्धक टैंकों को ऐसे हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी DRDO को सौंपी गई है। खास बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। DRDO के स्वदेशी तकनीक को विकसित करने की बजाय भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और आयात पर देश की निर्भरता कम करना है। सूत्रों के अनुसार इस कवच में ऐसे सेंसर लगाए जाएंगे जो हवा से जमीन में मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल का पता लगा लेंगे। वहीं जैसे ही सेंसर को खतरा नजर आएगा, वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा। एंटी टैंक मिसाइल को बेअसर करने के लिए ये सेंसर हथियार लॉन्च करेगा। सूत्रों के अनुसार ये सिस्टम टैंकों APC और रूसी मूल की BMP पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री व्हीकल्स पर भी फिट किया जा सकता है। वहीं इस सिस्टम के लगाए जाने से न केवल टैंकों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि उनमें बैठे जवानों की जान की भी रक्षा होगी। हालांकि टैंकों में भी छोटे मोटे हमलों को झेलने के लिए कई तरह के सिस्टम होते हैं। इनमें स्टील प्लेटें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस कवच सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से टैंकों की सुरक्षा करेगा। इससे पहले T-72 को अपग्रेड करने के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजना के तहत 1000 टैंकों में नए स्वदेशी रूप से विकसित 1000 HP के इंजन लगाने का फैसला किया गया था, जो मौजूदा 780 HP इंजनों से ज्यादा ताकतवर होंगे। इसके अलावा उनमें रात के समय युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए थर्मल साइट फायर डिटेक्शन सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन एंड बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का फैसला किया गया था, जबकि T-90 टैंकों में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर, फायरिंग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और कमांडर थर्मल इमेजर लगाने की बात कही गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।